हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का ना कॉल लॉक ओपन करना है। ये जो कॉल लॉक होता है ना, ये वाला जहाँ से कॉल आती और जाती है, ये वाला सेक्शन जो होता है, ठीक है, रीसेंट के उस ऑप्शन पे आप देखिए, इसमें आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। इस पेज में आपको नीचे कॉलिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की सिम को सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आपको नीचे कॉल फॉरवर्डिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये पेज आपका रिफ्रेश होगा, जब तक आपका पेज रिफ्रेश होता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, 10 से 15 सेकेंड, ठीक है। देखिए पेज जो है रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है। ये पेज आता है, इस पेज में आपको ना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। देखिए मोबाइल नंबर कौन सा एंटर करना है, आपको ना अपना मोबाइल का नंबर छोड़कर किसी दूसरे पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको नीचे ऑन का बटन है, ऑन पे टैप कर देना है तो आपका पेज जो अपडेट होगा। तो जब तक पेज अपडेट होगा यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। देखिए पेज जो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए सेटिंग जो है कैसे काम करेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में बताया था ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, और जो इस मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा हुआ है वो तो मेरा सिम कार्ड है, ठीक है ना। तो देखिए अब इससे होगा ये कि अब जो कोई भी पर्सन मेरा मोबाइल नंबर डायल करेगा ना, तो वो जो कॉल होगी ना वो मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं आएगी, अब वो कॉल इस वाले नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। तो सारी की सारी कॉल इस वाले नंबर पे जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से कॉल फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है ऐसे काम करती है।